हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो है चैप्टर वन का जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक पर्सन्स के, मैं वो सारा क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आज जो है इस चैप्टर वन है, अगर इसी तरह के सारे आपके बुक पर्सन मतलब चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से वीडियो को देखेगा तो सब्जेक्टिव भी मैं लेकर आऊँगा, और कल का जो होगा बिल्कुल एक एक टॉपिक जो है आपका मैं खुलासा करते जाऊंगा, और आपको कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर मैं दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो है पीडीएफ तैयार हो चुका है और लगभग 500 क्वेश्चन का पीडीएफ बना चुका हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट होगा, छोटा छोटा अक्षर होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख सकते हैं और इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर, यानी चार्ल्स मेसन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, क्या है, मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी राखल दास बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जेक यानी झारखंड बोर्ड 2017 में पूछा था, और बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है 2018 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आई हुई है, यानी झारखंड बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आई हुई है और देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला। तो हल का प्रमाण जो है कहाँ मिला था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी तीन नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी कालीबंगन में मिला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप लोग, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो इसका राइट आंसर, यानी ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी अर्नेस्ट मैके राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का। चलिए अब पांच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, क्या है पांच नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ये बार बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं, अगर आप लोग को पता भी होगा शायद, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था, राइट आंसर बी नंबर, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंडों से शेयर करो, ताकि उसको भी फ़ायदा मिले और इसी तरह के वो भी अच्छा खासा नंबर ला सके। तो दोस्तों, ये बिल्कुल एक नंबर 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो आपको कहीं पर भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आई हुई है, थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो आ चुकी है, क्या है, मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, छः नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी सिंधी भाषा राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी भाषा राइट आंसर, ठीक है, ये बी नंबर। कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 100% ये सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, तो आ चुकी है स्क्रीन पे और देख पा रहे होंगे आप लोग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सात नंबर का शायद आप लोग जानते होंगे, तो राजस्थान में ये स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों, इसी तरह के हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे इस 2020 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आई हुई है, आठ नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो कहाँ उत्खनन करवाया था, ये शायद आप लोग नया सुनते होंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ नंबर का यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, ठीक है, ये दयाराम साहनी ने। चले
1921 में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, तो यह क्वेश्चन शायद आप लोग नया देख पा रहे होंगे। क्या निम्नलिखित हिंदुओं में कौन सैंदव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो प्रमुख देवता कौन सा था, कौन किसको पूजते थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 9 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी शिव को पूजते थे। ठीक है, शिव को पूजते थे, सिंधुवासी के प्रमुख और देवता भी थे। तो दोस्तों मॉडल पेपर में क्या होता था कि एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन वहाँ से, एक क्वेश्चन अलग जगह से, तो उठा उठा करके उसको दिया जाता है। लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं और बिना कन्फ्यूजन के लिख सकते हैं। तो है ना सही, ये काफ़ी अच्छा लगता होगा आप लोगों को ये वीडियो, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर का जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। तो इसी तरह से मैं पॉलिटिकल साइंस का भी डाला हूं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर छोटा छोटा अक्षर है इसलिए मैं छोटा टिक लगाता हूँ। तो यह क्वेश्चन जो है अभी जो पढ़ने जा रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर राइट आंसर, यानी कीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा चुका है, आप ये देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मेरा मुंह बोली नहीं है, यहाँ पर आप दिखावटी भी है और सुनते भी आप। तो देखिए यहाँ पर BSEB यानी बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2010 में, 14 में और 18 में। काफ़ी अच्छी बात है कि ये पूछा जाता है, और आप लोग भी पता होगा कि ये बार बार पूछा गया है, हर मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे, तो 11 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी कासंग युग राइट आंसर हो जाएगा, कासंग युग का सभ्यता है। चलिए अब दूसरा इसके 12 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये भी बार बार पूछा जा चुका है। तो जो बार बार पूछता है वही पर वही सब क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो क्या है, ये BSEB में कितना बार पूछा गया है, 2010 में पूछा है और 12 में और 17 में भी पूछा गया है। तो इसमें कन्फर्म पूछ सकता है, क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता भी होगा, तो राइट आंसर यानी 12 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आई भी है 13 नंबर क्वेश्चन, देख भी पा रहे हैं आप लोग। क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो आप देख सकते हैं, तो किसको हम लोग यानी साहित्य है, सिक्का है, अभिलेख है, भावनेश है, भानावेश है, तो किसको हम नहीं ले सकते हैं पुरातत्व के अंतर्गत? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 नंबर का यानी ए नंबर राइट आंसर, यानी साहित्य को नहीं ले सकते। ठीक है, ये साहित्य अलग चीज है। चलिए तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अभी तक लाइक करते जाइए सभी फ्रेंड्स, ताकि इस तरह के मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूं हर दिन एक एक आप लोगों को चैप्टर ख़त्म करने के लिए। तो क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये क्वेश्चन मैं तभी देखा था जब मेरे पास किताब आया, तो मैं किताब एक नया किताब लेकर आया हूँ और आप लोग को भी ये क्वेश्चन सारा मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक अच्छा लगता तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए सर यानी विलियम जॉन्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो कौन कैसा प्रशासन था, हर जगह जो है प्रशासन होती है, अभी भी प्रशासन है, तो कौन सा प्रशासन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको दिमाग लगा करके भी आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ का नगरीय सभ्यता था, तो कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 नंबर का सी नंबर, यानी नगर पालिका जैसा वहाँ का प्रशासन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आप जवाब भी दे सकते हैं, राइट आंसर की बात करेंगे 16 नंबर का ए नंबर, यानी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसको उत्खनित किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और अच्छी तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग। क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदापीड़ा कहाँ से मिला? गोदापीड़ा, ये क्वेश्चन आप लोग शायद कभी भी नहीं देखे हैं, और मैंने जितने भी सारे मॉडल पेपर बनाए हैं वो किसी मॉडल पेपर में भी नहीं मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल,
यानी सिंधु। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके स्क्रीन पे। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और कोई भी अगर मेरे बोलने या कुछ तरह की गलती हो रही है तो आप जो है कमेंट ना किया करें और उसको अच्छी तरह से आप पढ़ कर देख लें। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे हैं आप लोग। क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सिंधी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है मोहनजोदड़ो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख भी पा रहे हैं आप लोग। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है, यानी भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 20 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम उत्तर में विकसित हुई थी। ये बीएससीबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग। क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बीएससीबी में। ठीक है, तो 21 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी भगवा नदी के किनारे, भगवा नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीएससीबी 2011 और 12 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, इसका देख लीजिए एक बार, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे राखल दास बनर्जी को। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 24 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1922 में मिली थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्या है, यहाँ पर 2013-15-16 में पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर का अवशेष कहाँ मिला। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो में मिला था। तो आप लोग शायद सेटिस्फाई होंगे इस वीडियो से, क्योंकि हर दिन की तरह मैं अलग वीडियो लेकर आया हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या, ए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का ए नंबर, यानी यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा तो सही है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लीजिए तो आ चुकी है पूरी तरीके से, ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है झारखंड बोर्ड में। 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जुड़वा राजधानी कौन सा थी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 27 नंबर का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा टिक कर देता हूँ। क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, यानी हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधी नदी के किनारे, और हड़प्पा किस नदी के किनारे। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 28 नंबर का डी नंबर, यानी उलट पुलट यहाँ पर देना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंधी नदी के किनारे, और हड़प्पा जो है कहाँ है, वो रावी नदी के किनारे। तो बार बार जो है बहुत सारे छात्र जो है इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होने, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, देख पा रहे स्क्रीन पे। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन, तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका 29 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो लोथल गुजरात में स्थित है, ये क्वेश्चन शायद आप लोग पढ़े होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन जो है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 30 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, हड़प्पा का किसने किया था, यानी दयाराम सहानी ने किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1921 में किया था, ठीक है, इसका राइट आंसर यानी दयाराम सहानी ने 1921 में किया था। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का ये क्वेश्चन आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 31 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। ठीक है, ए कनिंगम शॉर्ट नेम है उसका। तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें। तो कल जो है हम लोग रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे, सत्य असत्य को बताएंगे, उसके बाद सही जोड़े बनाएंगे,
उसके बाद जो है सन और खोज, यानी कब खोज किया उसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर को एक एक जो है ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।